So welcome, my dear friends, for the yet another video of 1 lakh challenge finisher. Here we have today Naveen Gupta. Naveen Gupta जी ने ऑनलाइन इंश्योरेंस सेल्स को किस तरीके से अपने लाइफस्टाइल के अंदर ऐड कर लिया है? हाउ इज द जर्नी हम लोग नवीन गुप्ता जी के पास से देखेंगे. फॉर दोज हु डू नॉट नो मी, माई नेम इज अमित कोठारी एंड आई हैव बीन ट्रेनिंग इंश्योरेंस एडवाइजर्स टू ट्रेवल फ्रॉम ऑफलाइन टू ऑनलाइन, एंड ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग किस तरीके से कर सकते हैं इसके बारे में वी हैव अ कोर्सेज जिसकी ज्यादा डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दी है. आप वहां पे कॉल करके पूछ सकते हैं या फिर यू कैन कम टू माई फ्री वेबिनार्स फॉर विच द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो लेट्स गो राइट नाउ विथ मिस्टर नवीन गुप्ता. सो वेलकम नवीन जी फॉर दिस एंटायर सेशन, एंड अपने बारे में कुछ इंट्रोडक्शन पूरे ग्रुप को बताएं. थैंक यू वेरी मच सर. सर माई सेल्फ नवीन गुप्ता, आई बिलोंग टू फिरोजाबाद इंश्योरेंस इंडस्ट्री सिंस 2006, बट आई डोंट नो अबाउट ऑनलाइन प्रेजेंटेशन. जैसा जनरली सर सभी के साथ होता है वही मेरे साथ भी था कि मैं ऑफलाइन जो भी लीड्स थी वही जनरेट हो पाती थी. उसमें से भी जो भी क्लोज थे या रेफरल कॉन्टेक्ट थे उन्हीं के पास हम केवल पहुंच पाते थे. तो वहां भी एक बार के बाद, एक टाइम के बाद वो हमारी लिस्ट भी खत्म हो जाती है. तो इसके लिए ऑनलाइन प्रेजेंट, ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आने के बाद ये जो लीड्स जनरेशन वाला जो प्रोसेस था वो हमारा कभी बंद नहीं होगा. आपके साथ जुड़ने के बाद ये मेरे को मालूम पड़ा कि ये जो हमारी लीड प्रोस्पेक्ट की प्रॉब्लम थी वो सॉर्ट आउट होगी. क्या चीज ने आपको मोटिवेट किया कि आपको ऑनलाइन जर्नी शुरू करनी चाहिए? यानी कुछ तो ऐसा हुआ रहेगा जिधर आपने देखा होगा कि नहीं, ऑनलाइन में आप कोर्स में आए या फिर वेबिनार में आए, तो क्या चीज आपको क्लिक हुई कि आप यहाँ पर आए? सर कोविड सिचुएशन के बाद लगभग हर चीज ऑनलाइन सेक्टर में ही सर आ चुकी है, और ऑफलाइन तो जैसे सारा मार्केट बंद था, कोई भी बिजनेस नहीं चल रहा था केवल मेडिकल सेक्टर को छोड़ के. तो इसलिए सर धीमे धीमे जब टाइम के हिसाब से सभी ऑनलाइन सेक्टर प्लेटफॉर्म पर पहुंच रहे हैं, इवन इंश्योरेंस कंपनी भी वो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है. तो सर हमें भी आने वाले टाइम के हिसाब से सर उसी लेवल पर चल रहे हैं, तो हमें भी ऑनलाइन आना पड़ेगा सर. पर पहले कभी आपने ये सब प्लेटफॉर्म्स को यूज किया प्रोस्पेक्टिंग के लिए? फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, कभी आपने पहले नहीं लगाया था ये सब चीज ध्यान में? सर ओनली फॉर एंटरटेनमेंट, आई डोंट नो कि हम इसे बिजनेस के लिए भी यूज कर सकते हैं. सो नवीन जी, 30 डेज चैलेंज में आने के बाद आपको क्या डिफरेंस महसूस हुआ? तो 30 डेज चैलेंज में आने के बाद मेरे को यह मालूम पड़ा था जो हमारी प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट का एक तरह से जो लास्ट पॉइंट जो आ जाता था, तो यहाँ पे आने के बाद हमारा कभी लास्ट पॉइंट नहीं आएगा. प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट हमारी हमेशा कंप्लीट रहेगी, और साथ ही हमें जो राइट प्रोस्पेक्ट हमें चाहिए वो हम यहाँ से ले सकते हैं, और बजाय हम प्रोस्पेक्ट को ढूंढे प्रोस्पेक्ट हमारे पास अपनी लीड जनरेट कर रहा है और साथ में अपॉइंटमेंट फिक्स कर रहा है, जिसके लिए हमें भागना पड़ता था कि हमें अपॉइंटमेंट लेना है. और इस 30 डेज चैलेंज ज्वाइन करने के बाद ही मालूम पड़ा कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हम किस तरह से अपना बिजनेस हम कर सकते हैं. सो क्या वन टू क्या फेस टू चीज फेस सीखी मीटिंग आपने 30 डेज के अंदर? क्या क्या चीजें सीखी आपने? सर, इसमें फेसबुक एड, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हम किस तरह अपने एड रन करा सकते हैं, फेसबुक पेज हम किस तरह बना सकते हैं, और साथ ही ऑटोमेशन पे अपना हम बिजनेस किस तरह से ला सकते हैं. और पहले कभी कोशिश की थी इस तरीके से बिजनेस को सोशल प्लेटफॉर्म के ऊपर से यूज करने के लिए? सर इसके बारे में तो कोई आइडिया ही नहीं था, ऐसा हो सकता है. तो कभी ऐसा महसूस नहीं लगा, डर महसूस नहीं लगा कि ये आप कोप अप कर पाएंगे कि नहीं कोप अप कर पाएंगे? क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा रहता है कि सर कभी टेक्नोलॉजी हमने सीखी नहीं है तो फिर हम कैसे कर पाएंगे, तो ये आपको डर नहीं था क्या जब ये रजिस्टर किया तभी? नहीं सर इतना डर नहीं था, क्यों सर मैंने 96 95 में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भी किया हुआ था, बट उससे काफी टाइम हो गया, तो उसका थोड़ा बहुत ही आइडिया रह गया था और सारा पास आउट हो चुका था. और मैंने जनवरी में आपका फेसबुक सक्सेस फॉर्मूला वाला मैंने एक सेशन भी ज्वाइन किया हुआ था.
अच्छा ओके, बहुत बढ़िया, जनवरी 2022। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, बहुत बढ़िया। तो सर ये फेसबुक पेज बनाना तो आपसे ही सीखा था, उसी के बाद मालूम पड़ा कि हम ऑनलाइन भी आ सकते हैं। फिर आपके ऑनलाइन चैलेंज कोर्स के बारे में मालूम पड़ा, तो यहाँ से मालूम पड़ा कि हम और भी चीजें सीख सकते हैं जो वहां नहीं सीख पाए। वहां के मालूम पेज तक ही लिमिटेशन था हमारा। ओके, फॉर ऑल दोज पार्टिसिपेंट हु आर नॉट नोइंग, दिस इज नवीन जी सिल्वर मेंबर है, ऑनलाइन इंश्योरेंस सेल्स मास्टरी अपना सिल्वर मेंबरशिप का प्रोग्राम है, उसके वो मेंबर हैं। और वी ऑल्सो हैव ऑनलाइन इंश्योरेंस सेल्स मॉडल फॉर ऑल दोज पीपल हु आर येट नॉट कॉन्फिडेंट इनफ, दैट इज अ 5 डेज मॉडल, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। यू कैन गिव अ कॉल टू द कंसर्न एंड यू कैन गेट अलॉन्ग विद द इन्फॉर्मेशन मोर अबाउट हाउ यू कैन ज्वाइन विद द ऑनलाइन इंश्योरेंस सेल्स मॉडल प्रोग्राम, दैट्स अ 5 डेज प्रोग्राम। यस नवीन जी, तो उसके बाद आपने ऐड भी करना शुरू शुरू कर दिया, तो आपने जो 30 डेज के अंदर टूल्स वगैरह दिए, तो टूल्स के बारे में आपका क्या कहना चाहेंगे? टूल्स के बारे में तो कैनवा सबसे पहले जो डिजाइनिंग के लिए यूज करना था, तो सबसे पहले तो जैसा आपसे मालूम पड़ा कैनवा में वो सारी चीजें पॉसिबल है जो अदर्स में नहीं है और इजीली हम इसमें चेंज कर सकते हैं। और इसके बाद सर ऑटोमेशन के लिए माई पाइपलाइन वो सर बहुत ही बढ़िया टूल है सर, जिसके बिना हमारा काम नहीं हो सकता। वैसे तो टूल्स और भी हैं सर, लाइक माइक है, ट्राइपॉड स्टैंड वगैरह, वो भी हमें मस्ट है सर हमारे लिए, तो उसके बिना वो उतना प्रॉपरली वर्क नहीं हो पाता है। तो इसलिए टूल्स तो सबसे फर्स्ट रिक्वायरमेंट सर हमारी, विदाउट टूल्स हम कुछ नहीं कर सकते सर इसमें। जैसे कि हम किसी भी स्टाफ को रखते हैं या हम सेल्फ भी करते हैं, तो इतना फॉलो अप पॉसिबल नहीं है सर, या बहुत ही स्टाफ हमें रखना होगा। लेकिन इस माइक पाइपलाइन से बहुत सारा हमारा स्टाफ का वर्क वो कंप्लीट हो जाता है ऑटोमेटिकली। किस तरह से कोई भी लीड जनरेट हुआ है तो वहां पे रिप्लाई किस तरह देना है, रिमाइंडर किस तरह से देना है, वो सारी चीजें, लैंडिंग पेज वगैरह किस तरह से कहाँ हमें एडजस्ट करना है, वेबसाइट पे कोई जा रहा है तो किस तरह से जाएगा, बहुत सारी चीजें सर वहां से मिलती So all those people who do not know landing page and these are all jargons of online insurance, once you come in the training program, आपको इसके बारे में और ज्यादा अंदाजा आएगा। आपने ई-बुक्स वगैरह भी बनाई नवीन जी, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर। ई बुक वाला आइडिया तो आपका जो दिया हुआ है बहुत ही बढ़िया है सर, इसके बारे में कभी सोचा नहीं था। बुक अपनी भी हम तैयार कर सकते हैं। ई बुक तो आपने टेक्नोलॉजी नॉलेज ना भी होने के बाद भी आपने जो प्रोसेस बताया हुआ है वो इतना बढ़िया है सर, विदाउट एनी टेक्निकल नॉलेज वी कैन डू एनी एवरीथिंग, आइदर सो फॉर फॉर ई बुक, लैंडिंग पेज। वेरी नाइस वेरी नाइस, सो जो लोग ई बुक वगैरह क्यों जरूरी है, द फर्स्ट फैक्टर दैट कम्स ऑन द ऑनलाइन इज ट्रस्ट। हाउ डू आई ट्रस्ट दैट दिस पर्सन इज देयर ऑनलाइन और वो जेन्युइन बनना है, और इसके लिए अपनी क्रेडिटेबिलिटी एस्टेब्लिश करने के लिए वी हैव लैंडिंग पेजेस, वी हैव ई बुक्स, वी हैव सर्टन अदर वीडियो स्ट्रेटेजीज, जिसके माध्यम से आप अपनी ऑनलाइन के ऊपर एक प्रेजेंस कर सकते हैं। इफ यू वॉन्ट टू क्रिएट बिजनेस ऑनलाइन, यू नीड एन ऑनलाइन प्रेजेंस, एंड हम जिस इंडस्ट्री में है, फाइनेंस में स्पेसिफिकली, लोगों को ट्रस्ट बैठाने के लिए हम इस बिजनेस के एक्सपर्ट हैं, वो अपने को लोगों को दिखाना जरूरी है। फैंटास्टिक नवीन जी, सो अभी आपने जो लीड सिस्टम शुरू किया, उसमें कितनी लीड्स आ गई आपको और क्या उसका रिस्पॉन्स रहा? सर अभी तो जो लीड जनरेट हुई थी 25 लीड जनरेट हो चुकी हैं। ये 24 नवंबर से मेरा एड स्टार्ट हुआ था और आज तक सर 25 लीड जनरेट हो चुकी हैं। उसमें से 1-to-1 जूम कॉल मीटिंग भी सर 3 मीटिंग्स हो चुकी हैं मेरी, और ये सारे वो प्रोस्पेक्ट्स हैं, ना तो मैं उन्हें कभी मैं उनसे मिला हूं, ना ही वो मुझे जानते हैं। वेरी गुड, सो अभी अगर इसी तरीके का लीड का फ्लो चलते रहा, तो आप अपने आप को कहाँ देखते हैं, किस तरीके से आप अपने बिजनेस प्रोजेक्शंस को देख पाएंगे? सर अगर यही फ्लो चलता रहा तो मैं नहीं समझता कि एमडीआरटी सीओटी तो ही दूर है। वेरी गुड वेरी गुड, फैंटास्टिक। और ये लोगों का आपने जो फिल्टरिंग किया हुआ है, उसमें आप एवरेज प्रीमियम कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो? एवरेज प्रीमियम सर 1 लाख। फेंटेस्टिक। सो अगर ऐसी यही चीजें दोस्तों ऑनलाइन के अंदर अपने को समझनी है, दैट वी हैव मोर प्रिडिक्टेबल मॉडल। 24 तारीख से लेके ऐड शुरू के है, आज 2 दिसंबर है, दैट वी आर लुकिंग एट।
इन 8 डेज 25 new leads, एंड 25 new leads के अंदर से 3 लोगों के साथ में ऑलरेडी 1-to-1 हो चुकी है, और उसके बाद बैलेंस लोगों के साथ में अभी भी मुलाकात करना बाकी रहेगा. एंड दिस आर द वेज वेयर वी लर्न हाउ डू जनरेट लीड्स, हाउ डू फिक्स एम ऑटो पायलट अपॉइंटमेंट्स एंड सेट अप अ सिस्टम इनटू आवर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स. बहुत बढ़िया. सो क्या मैसेज देना चाहेंगे नवीन जी पूरी टीम को, पूरी कम्युनिटी को? और मेरा अपना एडवाइजर कम्युनिटी को तो यही मैसेज है कि हम लोगों को जितना जल्दी पॉसिबल हो सके उतनी जल्दी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आ जाना चाहिए, क्योंकि पॉलिसी बाजार वगैरह ये सारी अदर प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी भी सभी सर ऑनलाइन आ चुकी है, तो अभी उतना नहीं है लेकिन आने वाले टाइम में हमारे लिए बहुत टफ हो जाएगा। और ये 1 लाख चैलेंज कोर्स जो भी है बहुत सर वो इतना बेटर कोर्स है सर कि इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। जिसको कोई जिस तरह से हमारे एजेंट कम्युनिटी में रहता है 12th या ग्रेजुएट मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है, हम उतनी ही क्वालिफिकेशन पे ये सारे टेक्निकल वर्क भी कर सकते हैं। इसके लिए हमें एक्स्ट्रा कोई टेक्निकल कोर्स हमें करने की जरूरत नहीं है, हमें एक्स्ट्रा कंप्यूटर नॉलेज हमें चाहिए। सो आपको कभी ऐसा तो सोच मेरा नहीं अवसर आया, सभी से यही देना है, आपको मेरा कभी सभी से ऐसा यही सोच देना है नहीं जितना आया? जल्दी पॉसिबल हो सके। मैं बोल रहा हूं कि आपको यस कभी ऐसा सोच नहीं आया कि मैं नहीं कर पाया तो, या करते वक्त बड़ी नहीं सर डिफिकल्टी ऐसा हुई नहीं है रहेगी तो कंफर्ट जोन में से तो बाहर जी निकलना बड़ा सर, डिफिकल्ट था? नो डाउट सर कंफर्ट जोन से तो बाहर आना मुश्किल था, लेकिन आपका जो प्रोसेस है ना उसमें सर ऐसा कभी नहीं लगा कि ये काम ये वाला टॉपिक में या ये असाइनमेंट में कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा। जहां भी कहीं मालूम पड़ा तो आपकी रिकॉर्डिंग वगैरह जो भी मिली जो थी वो फिर से देख के वो पॉइंट वहां से क्लियर हो गया, चलो और वेरी आपकी गुड. हेल्प को इतना इतना कंप्लीट रहा कि कहीं भी किसी भी पॉइंट पे कहीं रुकना नहीं पड़ा। चलो वेरी गुड, ऑल द बेस्ट, एंड आई विश यू कि अगले साल के अंदर आप COT क्वालिफाई करें. अभी अपने पास में बहुत अच्छा टाइम है. अगर मैं बोलूं 6 दिन के अंदर अगर अपने पास 25 लीड आती है, और एडवर्टाइजमेंट बजट कितना था आपका? 300 पर डे यानी प्लस थ्री हंड्रेड जीएसटी रुपीज पर डे के अंदर अगर हमारे पास आज 25 लीड्स अगर डेवलप होती है विथ 6 दिन का एक्सपेंस, यानी 2,000 रुपये के आसपास का खर्चा आपने किया होगा, और उसके अगेंस्ट में 25 लीड्स अगर अपने पास में आती है, आई थिंक दैट्स अ फैंटास्टिक थिंग. इतना प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर हम लोग खर्चा कर ही सकते हैं, और उसमें से अगर एक पॉलिसी भी कन्वर्ट होती है, मैं एक तो वर्स्ट कम वर्स्ट सिनेरियो की बात कर रहा हूँ, तो भी 1 लाख रुपये के प्रीमियम के ऊपर 30-35 हज़ार रुपये अपने को आ जाते हैं. थैंक यू वेरी मच नवीन जी, फैंटास्टिक. इट इज अ रियली एक चीज कमेंडेबल है, दैट इज प्रैक्टिस. आपने प्रैक्टिस की, इसके लिए आप इस लेवल तक पहुंचे, एंड कंटिन्यू डूइंग द सेम. सर। ये तो आपकी ब्लेसिंग रही सर कि ये सारी चीजें अपने आप होती चली गई, इसमें मेरे को कुछ नहीं करना पड़ा, केवल आपकी हेल्प से और जिस जिस जो आपने बताया उसे फॉलो अप करने से ही सर सारा कंप्लीट हो गया। करेक्ट, ये सब आपकी मेहनत है, क्योंकि कोर्स तो सब जगह चलता है, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम सम पीपल दे टेक इट सो सीरियसली, एंड दैट इज व्हाई यू आर हियर. थैंक यू सो मच नवीन जी, थैंक यू. थैंक यू वेरी मच सर।